नमस्कार, सरोज द एप्रन गर्ल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी पंचमेल दाल। इसे बनाना बहुत ही इजी है, काफ़ी टेस्टी भी बनती है। ये पांच दालों से मिलकर बनती है, इसलिए इसको पंचमेल दाल कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं इस पंचमेल दाल को कैसे बना सकते हैं। के लिए मैंने पांच प्रकार की दालें ली हैं और सभी दालों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। जब दाल बनाए तो पांचों दालों की क्वांटिटी सेम रखें। मैंने इनको मिक्स किया हुआ है क्योंकि मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो जो दालें ली हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1/4 कप मूंग की दाल ली है, साथ में ही मैंने यहाँ पे 1/4 कप ही मैंने तुअर दाल, जिसे अरहर की दाल भी कहा जाता है, वो ली है। तीसरी मैंने ली है मसूर दाल, और साथ में ही मैंने 4th दाल जो ली है वो चना दाल ली है, और जो 5वीं दाल मैंने ली है वो उड़द दाल ली है। सब की क्वांटिटी मैंने 1/4 कप ही लिया है। तो और मैंने इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर मिक्स कर लिया है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस दाल को 2-3 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश करना है, और उसके बाद इसको हम पानी में भिगोकर लगभग 20-30 मिनट तक हम इसको पानी में भिगोकर रखेंगे। उसके बाद हम इसको कुकर में डाल के और तब हम इसको बॉईल करेंगे। तो अब ये देखिए, मैंने दाल को 20 मिनट भिगो लिया था और ये काफ़ी अच्छी फूल गई है। अब इस भीगी हुई दाल को हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 3 गिलास पानी। आप पानी अपने जितनी आपने दाल की क्वांटिटी रखी है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसमें मैं साथ ही डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और अब इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसका ढक्कन लगा करके और 2 सीटी आने देंगे हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने कुकर में 2 सीटी लगवा ली थी हाई फ्लेम पे, और अब इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब हम कुकर को एक बार चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी पकी है या नहीं। तो ये देखिए, दाल अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे और इसके लिए तड़का बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके उस पर कढ़ाई रख दी है, और उसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2 बड़े चम्मच घी। आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए आप इसे घी में ही बनाएं। घी को थोड़ा मेल्ट होने दें। घी हल्का गर्म हो गया है, फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच जीरा। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 छोटा चम्मच हींग। हींग आप इसमें ज़रूर डालिएगा, ये राजस्थानी दाल में जो है हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो आप हींग को स्किप मत करिएगा, यहाँ पे हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही मैं डाल रही हूँ ये 4 कटी हुई बारीक हरी मिर्च। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 3-4 लहसुन को मैंने छील लिया है, लहसुन की कलियाँ मैं इसमें 3-4 काट करके बारीक बारीक वो डाल दें। अब इन सभी चीज़ों को लगभग 1 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, इसको भी 1-2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाए तो उसमें डालते हैं 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटर से जो है इसमें दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप टमाटर ज़रूर ऐड करें। आप चाहे कोई भी दाल तड़का बना रहे हो उसमें टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप टमाटर ज़रूर ऐड करें, इससे दाल जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हम इस टमाटर को भी 1-2 मिनट अच्छे से गलने तक पका लेते हैं। अब मैं इस टमाटर में डाल रही हूँ लगभग 1/4 छोटे चम्मच नमक। आप यहाँ पर हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले हल्दी का यूज़ किया है इसलिए मैं यहाँ पर हल्दी नहीं डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर, इससे राजस्थानी दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ये ज़रूर ऐड करें। मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब इनको सारे मसालों के साथ टमाटर को मिक्स करके इसे 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएँगे, और ये मसाले जो है वो जले ना, इसके लिए हम लगभग 1-2 स्पून पानी ऐड कर देंगे। तो इसे ढक करके मसालों के साथ पकाएंगे। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, एक बार ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं।
टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, हमें इनको बिल्कुल मैसी नहीं करना है। आप चाहे कोई भी दाल तड़का बनाए, उसके लिए आपको तड़के को बहुत अच्छे से भून लेना है, तो आपकी कोई भी दाल होगी वो अच्छी ही बनेगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसके बाद जो हमने अपने बॉयल करके दाल रखी हुई थी उसको हम इसमें ऐड करते हैं। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें मिक्स करें और अब इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 बॉयल आने तक पका लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 चम्मच गरम मसाला और साथ में ही ये थोड़ा सा धनिया, और इनको मिक्स कर देते हैं। और अब इसको ढक करके लगभग 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएंगे। तो जब तक दाल हमारी बॉयल हो रही है तब तक हम इसके लिए ऊपर से डालने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस को ऑन करके उस पर तड़का पैन रख दिया है और साथ ही मैं डाल रही हूँ लगभग 1 छोटी चम्मच घी। आप चाहें तो ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी लगभग 1/2 छोटा चम्मच जीरा और साथ में ये 3 सूखी लाल मिर्च। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी हींग। आप सूखी लाल मिर्च आपके पास अगर ना हो तो लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इनको मिक्स करते हैं। यहाँ पे तड़का हमारा रेडी है और दाल में भी बॉयल आ चुका है। तो अब ये तड़का, तो हमारी राजस्थानी पंचमेल दाल जो है वो बन चुकी है और फ्रेंड्स ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। तो ये पंचमेल दाल हमारी बन चुकी है। आप इसे लंच डिनर कभी भी बनाएं, इसे रोटी पराठा या फिर जीरा राइस किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।